मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई। पाकिस्तान के चर्चित इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तारिक जमील की बेटी आसिम जमील की मौत हो गई है। आसिम की मौत पाकिस्तान के पंजाब के कमलबाग इलाके में उनके घर पर हुई। कथित तौर पर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। आसिम जमील की उम्र 30 साल की थी। भूटान के रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेर चौधरी का कहना है कि तारिक जमील की बेटी आसिम जमील ने जिम में एक्सरसाइज के दौरान गार्ड से पिस्तौल छीन कर खुद को गोली मार ली। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई है और इस फुटेज की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। पुलिस अधिकारी सुहेल चौधरी ने यह भी बताया कि आसिम जमील ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था। आसिम जमील के बड़े भाई ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उनके भाई मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। मौलाना तारिक जमील ने भी अपने बेटे की मौत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि आज तलबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस दुर्घटना ने माहौल को शोकाकुल बना दिया है। आप सभी से गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं से याद रखें। अल्लाह मेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस में ऊंची जगह दे। पाकिस्तान के मुस्लिम धर्मगुरु तारिक जमील पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी काफी प्रसिद्ध हैं। उनके धार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहते हैं। वह पंजाबी राजपूत परिवार से आते हैं और खुद को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं। जमील का संबंध तबलीगी जमात से हो रहा है और उनकी इस्लामी शिक्षा लाहौर की जामिया अरबिया से हुई है।